हाउ टू डाउनलोड आधार कार्ड। दोस्तों, इस वीडियो में हम आधार कार्ड डाउनलोड करना सीखने वाले हैं, वो भी 100% बिना किसी चार्ज के। जी हाँ, फ्री में आपको जो है 100% आधार कार्ड डाउनलोड करके बताने वाला हूँ लाइव प्रूफ के साथ। सो आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले चले जाना है गूगल पर, या गूगल या क्रोम ब्राउज आपके मोबाइल फ़ोन में जो उपलब्ध हो। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है UIDAI.government.in। आपको सिंपली UIDAI सर्च कर लेना है। UIDAI की पहली वेबसाइट आपको दिख रही है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस वेबसाइट पर क्लिक करोगे, ये आपसे जो है आपकी लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए पूछेगा। तो सिंपली मैं अभी हिंदी में बता रहा हूँ, तो मैं हिंदी सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपकी जो भी लैंग्वेज है आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन हो जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा आधार कार्ड डाउनलोड का, ई आधार कार्ड डाउनलोड करें आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो सिंपली आधार डाउनलोड करे के जो लिंक है, आपको उस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जिसके सामने जिसमें कि आपको आधार कार्ड डाउनलोड करने के 3 तरीके हैं, जैसे कि आधार नंबर, एनरोलमेंट आईडी और वर्चुअल आईडी। तो हमें सिंपली डाउनलोड करना है आधार कार्ड नंबर से, तो मैं आधार कार्ड नंबर से डाउनलोड कर सकता हूँ। आपके पास जो उपलब्ध हो उससे आप कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर अपने आधार कार्ड नंबर डाल लेता हूँ। आधार कार्ड नंबर डाल लेने के बाद यहाँ पर आपको एक कैप्चा का ऑप्शन मिल रहा है, आपको सिंपली कैप्चा डाल देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना कैप्चा डाल रहा हूँ। कैप्चा डाल देने के बाद यहाँ पर आपको एक सेंड ओटीपी का ऑप्शन मिल रहा है, सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी मोबाइल नंबर इस आधार नंबर में रजिस्टर्ड है उसके ऊपर एक ओटीपी चला जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल देना है। तो मैं ओटीपी सिंपली यहाँ पर डाल देता हूँ। ओटीपी डाल देने के बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई एंड डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई एंड डाउनलोड पे क्लिक करोगे आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा सक्सेसफुली। तो आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा वेट ले रहा है। इसके बाद ऐसे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर आधार कार्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली डाउनलोडेड। अब यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो कि जब ऊपर देखोगे यहाँ पर आ चुका है, लेकिन काफ़ी लोगों के नोटिफिकेशन भी नहीं होता। तो इसे हम कहाँ से ले सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, गो बैक जाना है। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फ़ोन के फाइल मैनेजर में चले जाना है। फाइल मैनेजर में चले जाने के बाद आपको एक बार यहाँ पर रिफ्रेश कर लेना फाइल मैनेजर को। रिफ्रेश कर लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कि डाउनलोड यहाँ पर आ रहा है ई आधार, जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ये क्लिक करोगे आप इसे PDF या अपने गूगल वर्क स्पेस में खोल सकते हो। इसके बाद इसमें ना जो 8 डिजिट का पासवर्ड लगा होगा, वो पासवर्ड क्या होगा चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड में जो नाम है उसके फर्स्ट 4 लेटर डाल देने हैं। जैसे मैं अपने आधार कार्ड के फर्स्ट 4 लेटर डाल देता हूँ। 4 लेटर डाल देने के बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थडे डालनी है ईयर में। आपको दिन और मंथ नहीं लिखना है, डायरेक्ट ईयर, यानी जैसे 2004-05 है आपकी कौन सी है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर आपको ओपन पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ओपन पे क्लिक करोगे देख सकते हो कि हमारा आधार कार्ड सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है, और इसमें कुछ नए अपडेट भी आए हैं जिनको जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ पर जब आप आधार कार्ड पर देखोगे तो यहाँ पर एक जो है नीचे लिखा हुआ है कि आधार पहचान का प्रमाण नहीं है, नागरिकता या जन्मतिथि का है। यानी कुछ इस तरह का जो है नया फीचर है, आप इसे देख लेना। इसके बाद ये हमारा आधार कार्ड सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। ऐसे ही नई वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद।